हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपने पेटीएम ऐप में अपने स्कैनर को ओपन जैसे कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, मेरा ये पेटीएम ऐप है और यहाँ पर जो है स्कैन एनी क्यूआर, ठीक है। ये जो स्कैन एनी क्यूआर का जो ऑप्शन है, मैं इसे टैप करता हूँ तो यहाँ पर जो है इनेबल कैमरा एक्सेस का ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपके साथ भी पेटीएम में इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर करना क्या होगा कि यहाँ पर जो है आपको अपने पेटीएम ऐप को जो है क्लोज कर देना है इस तरीके से, ठीक है। क्लोज कर देना है, कट कर देना है और यहाँ पर आपको जो अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है और अपने पेटीएम ऐप का जो पेटीएम ऐप है इसको आपको दबा कर रखना है इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो आई बटन आ जाता है सर्कल में, जो ये आई बटन आ जाता है छोटा सा, मैं आपको पास करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, सर्कल में आई बटन है, इस पर आपको टैप करना है। टैप करेंगे तो ऐप इन्फो का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको ये परमिशन का पेज ओपन कर लेना है। परमिशन का पेज ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से ये कैमरे का ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर या नीचे आप पेज को करेंगे तो कैमरे का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अलाउ के इस ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अगर अलाउ के ऑप्शन पे सिलेक्टेड नहीं है पहले से तो आपको अलाउ पे ही सिलेक्ट करना है, उसे बैक कर लेना है इस तरीके से और आपका ये जो कैमरे का ऑप्शन है ये अलाउड के इस पेज में आ जाएगा, इस लाइन में, ठीक है, अलाउड के इस लाइन में। अब आपको जो है बैक आना है और अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को आप जो है फिर से ओपन कर लीजिए और यहाँ पर जो है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है हम पेटीएम ऐप के होम पेज पे आ चुके हैं। अब मैं इसे जो है अपने स्कैन एनी क्यूआर को एक बार टैप करके देखता हूँ तो आप देख पाएंगे कि मेरा जो पेटीएम ऐप का जो स्कैनर है वो ओपन हो चुका है। जो इनेबल कैमरा एक्सेस का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है हमारे पेटीएम ऐप में। और आप देख पाएंगे कि मैं यहाँ पर जो अपने इस रूबिक क्यूब को भी जो स्कैन कर रहा हूँ, मतलब कैमरे के आगे आ रहा है, तो इस तरीके से ये भी स्कैन होने लग गया, यानी कि मेरा जो इनेबल कैमरा एक्सेस का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हो चुका है। इस तरीके से आप भी अपने पेटीएम ऐप में इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका है तो उसे भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपका जो है ये प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होता है जो प्रोसेस मैंने आपको अभी तक बताया है, तो आपको करना क्या है कि आपको जो है फिर से बैंक जाना है, ठीक है, बैंक जाना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको जो है उसी पेज पे ऐप इन्फो के पेज पे आना है और यहाँ पर आपको जो है अपना स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्टोरेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको क्लियर स्टोरेज कर देना है और क्लियर कैच कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो यहाँ पर बिल्कुल ही पेटीएम ऐप का क्लियर हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो आपको फिर से अपना पेटीएम ऐप जो है रजिस्टर कर लेना है और फिर एक बार जो है अपने क्यूआर कोड का जो स्कैनर होता है आपके पेटीएम ऐप का जो स्कैनर है उसे आपको ओपन करके देखना है, वो काम करने लग जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको जो अपना फ़ोन एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। ये पावर बटन को दबा के रखेंगे तो रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो इसे रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। और एक आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको जो अपने प्ले स्टोर में जाना है और अपने प्ले स्टोर में जाना और अपने पेटीएम ऐप को सर्च कर लेना है, ठीक है। पेटीएम ऐप को सर्च कर लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देख सकते हैं मैंने पेटीएम ऐप सर्च कर लिया और यहाँ पर ये जो ओपन लिखा हुआ दिखाई देता है, अगर ओपन की जगह पे अगर अपडेट लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसे अपडेट कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है हमारा एप्लीकेशन अपडेट नहीं होता है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, उसे अपडेट जरूर कर लेना है पेटीएम ऐप को। और दोस्तों ये सभी प्रोसेस जो मैंने बाकी के बताए हैं इतने सारे, वो तभी करने हैं जब आपका पहला प्रोसेस जो मैंने बताया था, अगर पहला प्रोसेस काम नहीं करता है तभी जो है आपको ये सभी बाकी के प्रोसेस यूज़ करने हैं, ठीक है।